बता दें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आज आपात बैठक थी दिल्ली में, जिसके बाद बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब फैसला लिया गया है कि एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के सभी स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहेंगे, साथ ही दिल्ली के सरकारी दफ्तर भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे सरकारी दफ्तर वाले लोग। साथ ही आपको बता दें निजी दफ्तरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जाएगी, साथ ही कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। ये मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से बात कही गई है। साथ ही प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार को तो फटकार लगाई थी, लेकिन ऐसे में केजरीवाल सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी, जिसके बाद यह आपात बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी और उसमें यह फैसला लिया गया है कि जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए दिल्ली में अब एक हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सरकारी दफ्तरों में लोग आते हैं वो अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वहीं प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन के तौर तरीकों पर विचार करेंगे, ये भी मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 2 दिन के दिल्ली के लॉकडाउन पर सरकार विचार करे, जिसके बाद अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें तमाम बातें की हैं। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर विचार हो रहा है, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के तौर तरीके क्या कुछ होंगे उस पर भी विचार किया जाएगा। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से जिस स्तर से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए दिल्ली में हो सकता है कि लॉकडाउन सरकार लगा दे। चलिए आम आदमी से प्रवक्ता अख्तर जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अख्तर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक हफ्ते के लिए सभी तरह के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ सरकारी दफ्तर के लोग जो हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वहीं जो निजी दफ्तर के लिए भी एडवाइजरी जारी की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें, बड़ी बात ये कही गई है केजरीवाल की तरफ से कि लॉकडाउन के तौर तरीकों पर विचार किया जाएगा, उस पर सोचा समझा जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ये केजरीवाल की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है।